हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो बच्चों, हमने अपने लास्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है। आज हम करेंगे उससे आगे का कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर हम करेंगे उनके फीचर्स और फिर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिनिश। तो देखिये बेटा, अब हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? विच इज अर्न मनी। ऐसी एक्टिविटी जो कि रिलेट करती है मनी से। इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ये इसकी पहली फीचर थी, ये इसकी सेकंड। टू अर्न प्रॉफिट, दिस वन इज थर्ड। एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल, दिस वन इज फोर्थ। देखिए, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है, अर्न प्रॉफिट करने के लिए की जाती है और किसके थ्रू होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर हम उसे सेल कर देते हैं, सेल या परचेज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली है और जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब बिजनेस की डेफिनेशन अगर किसी बच्चे को समझ आ गई, दैट मींस उसे क्रैम करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी उसके फीचर्स आ चुके हैं, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में उसके सारे फीचर्स आ चुके हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ऑफ बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी कैन से दैट बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज डन विद द मोटिव ऑफ मनी। मेन मोटिव क्या होता है? मनी होता है, तो हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर एक बिजनेसमैन ने सामान बनाया है, प्रोडक्शन किया है, तो उस प्रोडक्शन को घर में तो रखेगा नहीं, उसको क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। मींस या तो किसी को बेचेगा या फिर किसी को होलसेल में देगा, रिटेल में देगा। तो यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेकंड जो एक्टिविटी है या सेकंड जो फीचर है बिजनेस की, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमने सर्विस या हमने गुड्स बनाया, हम उसको एक्सचेंज करेंगे। यहां से हमारे पास में एक कस्टमर और एक सेलर जो है वो बन जाएगा। देन थर्ड वन इज रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब जो भी काम एक बिजनेसमैन करेगा वो एक सिंगल स्ट्रोक नहीं है, मीन्स एक बार में पूरा हो जाने वाला टास्क नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा। मीन्स मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं उसे आज भी करूंगी, कल भी करूंगी, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे वो बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मोटिव। अब मैं कोई भी काम कर रही हूँ, अपना टाइम वहां पे स्पेंड कर रही हूँ, अपना टाइम वहां पे दे रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ही वैल्यूएबल होता है। टाइम ही एक सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज है जो कि आज की दुनिया में बची हुई है, क्योंकि टाइम वही इंसान दे पाता है जो हमारे लिए खास है। तो मान के चलो जहां पे हम अपना टाइम दे रहे हैं तो ऐसा तो देंगे नहीं, हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? टू अर्न प्रॉफिट। मीन्स जो भी बिजनेसमैन पहले प्रोडक्शन करेगा फिर उनको सेल करेगा, तो उसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होगा, उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। अब भाई जब बिजनेस ही कर रहे हैं तो डर के आगे जीत है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होंगे। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सुना ही होगा आपने, जितना पैसा लगाओगे डूब भी सकता है और आने के उसके चांसेस रिटर्न्स में बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसके अगले फीचर क्या हो जाएगी? एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पे पाया जाता है, मीन्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट वन हम समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? द टर्म यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। हमारे जो वॉन्ट है उसको सेटिस्फाई करने की पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होगा कि सामान को और भी ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए, जगह को यूटिलाइज करने के लिए, ओनरशिप को यूटिलाइज करने के लिए एक बिजनेसमैन है वो रॉ मटेरियल को अलग अलग शेप दे देता है, अलग अलग फिनिश गुड्स में बनाता है, फिर वो उन्हें सेल करता है, तो वो सामान उससे फिर किसी दूसरे इंसान का हो जाता है, वो ओनरशिप हो गया। एक जगह से मतलब जहां उसका प्रोडक्शन था वहां से वो मार्केट तक लेके जाता है, वहां से प्लेस यूटिलिटी, मीन्स बहुत सारी चीजों को वो अलग फॉर्म देकर, उनको अलग अलग तरीके, उसमें कुछ अलग एफर्ट्स डालकर, इनोवेटिव आइडियाज डालकर उसको एक कंज्यूमर के लिए
और भी ज्यादा यूटिलिटी उसको दे, ऐसा बनाता है उनकी वॉन्ट्स को और भी ज्यादा सेटिस्फाई करे, बिजनेसमैन का ये काम होता है। अगर बिजनेसमैन एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कुरकुरे के ऊपर 10% फ्री, फिर एक के ऊपर एक फ्री, ये क्या है? ये इनोवेटिव आइडियाज है, मतलब क्रिएटिविटी को वो ज्यादा करना चाह रहे हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे तो उसका बिजनेस जो है वो बूस्ट करेगा, और जब बिजनेस बूस्ट करता है तब क्या होता है, बिजनेस ऊपर चलता है और बिजनेस का जो सर्वाइवल टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाता है। लास्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेसमैन को हमेशा माइंड में क्या रखना चाहिए कि जो सामान मैं बना रहा हूँ, जो भी प्रोडक्शन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाई है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप पे गई, मैंने एसी परचेज किया, अब मैंने एसी परचेज किया और मैं उसे घर लेकर आ गई। जिस दिन मैं एसी परचेज करने गई थी उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, एसी जो है वो मेरा आते ही इंस्टॉल होने के बाद खराब हो जाता है। मैं उनको कॉल करती हूँ, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमने बेच दिया। तो क्या नेक्स्ट टाइम मैं किसी को रिकमेंड करूंगी? नहीं ना। मतलब बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या था एग्जाम्पल देने का, कि अगर आपने कहीं से सामान खरीदा है तो जब तक आप उसे यूज करते हो या जब तक उसका वारंटी गारंटी पीरियड है तब तक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यू हैव टू, मीन्स आपको जाना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। ये होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अच्छे से अच्छा क्वालिटी पे दे उसे, फेयर प्राइसेस पे दे, उसकी क्वांटिटी में कोई भी हम कटौती ना करे, सही वेट दे, साइज दे, इस तरीके की चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, तब एक कंज्यूमर क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। उसे कॉम्प्लीमेंट्री दे देना, मतलब जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और अगर आप वहां पे खाना खा रहे हो, खाने के अंदर कुछ आ गया, मींस बाल आ गया, मक्खी गिर गई, तो उसको एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री दे देना, एक कोल्ड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री दे देना, ताकि वो खुश होकर जाए। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी चीजें क्या थी, बिजनेस। अब हम करेंगे प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है एक स्पेशल स्किल का होना। तो देखो, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स एक ऐसा इंसान जिसके पास एक स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्पेशल टेक्निक उसे आती है, और सोसाइटी की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट डिफरेंट लोगों को वो सर्विसेज देता है, या फिर अपने जो मतलब उसकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। मीन्स प्रोफेशन के अंदर एक हाईली स्किल्ड इंसान होना चाहिए, तब वो एक प्रोफेशन में आएगा। तो अब इसके फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। ऐसे ही कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता, इसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचर बनना है, दैट मीन्स आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास एमबीबीएस की, बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई और भी का डॉक्टर बन सकता है, बट इन सब के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री की जरूरत है। ऐसे जब अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपके पास LLB होनी चाहिए। तो एक स्पेशल नॉलेज है कि इनके लिए स्पेशल कैटेगरी डिसाइड की गई है। अगर आप स्पेशलाइज नॉलेज और टेक्निक आपको आती है, दैट मीन्स ही और सी प्रोफेशन में है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहली फीचर ये है कि एक इंसान के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब अगर मैं टीचर बनी हूं तो मेरी एक ट्रेनिंग हुई है, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसकी इंटर्नशिप होती है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर इंसान प्रोफेशन में आता है तो उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के किसी भी इंसान को प्रोफेशन में एंट्रेंस नहीं मिलती है, चाहे फिर वो टीचर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई लॉयर हो, क्योंकि सभी के लिए इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपने सुना होगा सभी चीजों के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CA के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसके लिए हम ICAI को देखते हैं, मतलब उसके अंदर जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लॉयर की, डॉक्टर्स इनकी, एडवोकेट की, तो उसके लिए बार काउंसिल बनी होती है। एक स्पेशल एसोसिएशन होना चाहिए इन सभी के लिए, जो उन्हें समझा सके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, लोगों का मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है। देन नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट होता है प्रोफेशन में। आपको याद रहना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। मीन्स मेरी कुछ
रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन जो कि उस बिजनेस उस प्रोफेशन के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था डॉक्टर के लिए पहले सर्विसेज जरूरी है, टीचर के लिए सर्विसेज जरूरी है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये समझाया जाता है कि आपको अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मतलब रखना है हमेशा। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहे हैं, आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप प्रोफेशन में है। एंड द लास्ट वन इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रोफेशन के अंदर पैसा जरूर है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सबसे पहले हमें सर्विसेज रखनी पड़ेंगी, मीन्स हमें सोशल वेलफेयर करना पड़ेगा। तो सोशल वेलफेयर पहले बाद में पैसा। तो प्रोफेशन की जो लास्ट फीचर है वो ये है कि प्रोफेशन में हम सोशल वेलफेयर को ऊपर रखते हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बाद में लेकर आते हैं। तो सारी का अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक प्रोफेशन में वही पर्टिकुलर इंसान आ सकता है जिसके पास स्किल्स हो, स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल टेक्निक हो, उसने इंटर्नशिप करी हो, ट्रेनिंग्स के अंदर गया हो, एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट उसने फॉलो किया हो, उसने दिमाग में ये नहीं रखा मुझे पैसा कमाने हैं, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, सोशल वेलफेयर देना है। ये सब क्या था, प्रोफेशन के बारे में था। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे या वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम डालेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश बिटवीन इन तीनों के अंदर कि क्या क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।